गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके होम बेस और विल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो उम्मीद है आपने मेरा पिछला लास्ट वीडियो देखा होगा, जो नई स्किन आई है एकदम पार्टी क्वीन की स्किन, उसका एक वीडियो डाला है मैंने पार्टी क्वीन के लुक्स कैसे दिखते वो, और फिर उस पार्टी क्वीन वर्सेस ऑल डिफेंसेस और पार्टी किंग वर्सेस पार्टी किंग और पार्टी क्वीन वर्सेस पार्टी वार्डन, ये वीडियो उम्मीद है आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो अभी जाके देखेगा ज़रूर, लास्ट वीडियो है मेरा, अब ये नया वीडियो है। तो चलिए गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, सो आपको रोज़ नए नए ऑसम वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा 9th क्लैशिवर्सरी चैलेंज जो आया है वो कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरा स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे अटैक करना है और फिर बताऊँगा कि कैसे 3 स्टार करना है परफेक्टली। तो ये देखिए, ये आज इवेंट्स है बहुत सारे, 1 जेम रिसोर्स बूस्ट है, क्लैशिवर्सरी डील डे है, यानी कि जो ट्रेडर है उसमें हमें कई फ्री चीज़ें भी मिलने वाली है, और ये है हमारा 9th क्लैशिवर्सरी चैलेंज, और नई हीरो स्किन है बीट किंग हीरो स्किन, और पार्टी क्वीन तो है गोल्ड पास में। तो चलिए, 2 हीरो पोर्शन मिलने वाले इस अटैक से, चलिए बढ़ते हैं लाइव अटैक की तरफ। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि किस तरह से अटैक करना है। यहाँ पर देखिए 4 कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, 5 कंपार्टमेंट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो 5 कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनमें लग ही रहा होगा कि आपको ट्रैप्स है, तो उन ट्रैप्स को डिटेक्ट करने के लिए हम डालेंगे यहाँ पर विजार्ड्स। हमारे पास 14 है, तो 2-2, 3-3 करके विजार्ड्स डालने हैं हमें। और ये देखिए, ये स्पॉट दिखा रहा हूँ आपको, तो कॉर्नर पे इन कंपार्टमेंट्स में हम डालेंगे विजार्ड्स, और उस तरह से हम डिटेक्ट कर लेंगे जो ट्रैप्स है वो, और जो सीसी है वो भी लेयर आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सीसी के पास भी है 2 रेंज में, सो इसलिए हमें अटैक करने में ईजी होगा। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए, अब विजार्ड्स यहाँ पर डाले हैं, यहाँ पर जो है वो स्पेल्स है, हील स्पेल जैसा दिख रहा है ये ट्रैप। तो यहाँ पर देखिए सीसी भी लॉर आउट हो चुकी है आधी अधूरी, थोड़े थोड़े करके ट्रूप्स निकल रहे, इसके लिए मैं थोड़े थोड़े करके डाल रहा हूँ विजार्ड्स। ये देखिए, यहाँ पर टोर्नेडो ट्रैप से सारे वो भी लॉर आउट हो चुके, और सीसी अभी भी थोड़ी थोड़ी निकलनी बाकी है, इसलिए मैं और विजार्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर, ताकि पूरी जो सीसी है वो निकल जाए ऑलमोस्ट, तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फ्री स्पेल्स, यहाँ पर भी 2 विजार्ड डाले, और यहाँ पर सिर्फ 1 विजार्ड डालने की ज़रूरत है, तो सारे स्केलेटन ट्रैप्स लॉर आउट हो गए। वहाँ पर 2 विजार्ड डाले तो जॉइंट बॉम्ब्स थे वो डिटेक्ट हो गए, तो अब फुल सीसी लॉर आउट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम 3-3 पार्टी विजार्ड से आर्चर टावर डाउन करेंगे एक तरफ, और फिर दूसरी कॉर्नर में करेंगे ये सब सीसी के, एक तरफ आने दीजिए पहले। अब दूसरी कॉर्नर में हम 3 पार्टी विजार्ड डालेंगे, तो सीसी के ट्रूप जो है वो इस तरफ आएंगे। अब पार्टी विजार्ड डालकर सारे सीसी ट्रूप्स को एक ही तरफ करना है, फिर हम उस पर फ्रीज डाल देंगे सारे ट्रूप्स पर। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट एक ही जगह पर है, तो फ्रीज डालेंगे, और फिर बार्बेरियन किंग, सुपर विजार्ड, क्वीन और वार्डन, रॉयल चैम्पियन अभी नहीं डालना है, और बाकी के जो पार्टी विजार्ड बचे हैं वो हम यूज़ करेंगे बाद में। और अब शुरुआत में एक हील स्पेल यूज़ करना है आपको, और जो ये सिंगल इन्फर्नो टावर है उसको फ्रीज रखेंगे। अब टाउन हॉल के पास जो ट्रूप्स बढ़ेंगे वहाँ पर भी एक हील स्पेल यूज़ करना है, और फिर सुपर विजार्ड्स को टाउन हॉल से सेव करने के लिए बार्बेरियन किंग और वार्डन का एबिलिटी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सुपर विजार्ड्स नहीं बच पाए, लेकिन मैं सेकेंड अटैक भी बताऊँगा आपको अच्छे से, ये फर्स्ट अटैक है इसलिए थोड़ा वो हो गया है, लेकिन सेकेंड अटैक एकदम परफेक्ट करके दिखाऊँगा वापस से। तो चलिए, अब यहाँ पर इनविजिबल स्पेल यूज करना है, टाउन हॉल हो चुका है डाउन। अब देखिए 3 पार्टी विजार्ड्स और रॉयल चैंपियन हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पर आर्चर क्वीन है उसकी एबिलिटी भी बची हुई है, तो ये लोग इतना डिफेंस इजीली डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, और फिर हम कॉर्नर में डालेंगे रॉयल चैंपियन हमारा। तो देखिए, अब रॉयल चैंपियन डाल देंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं वो आर्चर टावर के पीछे पड़ा है, और अब यहाँ पर जो है वो स्कैटर शॉट 3 बचे हुए वो रॉयल चैंपियन को डैमेज दे सकते हैं, तो इसलिए हम इनविजिबल स्पेल यूज़ करेंगे एक, और फिर इनविजिबल स्पेल हो जाए तो फिर हम पार्टी विजार्ड भी डाल देंगे।
रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज कर ली हमने। पार्टी विजर्ड मैंने जल्दी डाल दिए, लेकिन सेकंड अटैक में एकदम परफेक्ट बताऊंगा, तो सेकंड अटैक एकदम ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एकदम परफेक्ट अटैक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा 3 स्टार तो हो ही रहा है। तो गाइस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्लैश विद अवेस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो देखिए अब यहाँ पर रॉयल चैंपियन के साथ इलेक्ट्रो आउल और यूनिकॉर्न, और अब और कोई डिफेंसेस नहीं बचे तो इजीली अटैक होने वाला है हमारा 3 स्टार गाइस। अब सिर्फ जो है वो डार्क एलिक्सर ड्रिल बचे हैं सब, और टाइम हमारे पास 1 मिनट 30 सेकंड्स है, तो इजीली हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे। इस अटैक में आपको 5 मिनट्स का टाइम मिला है अटैक कंप्लीट करने के लिए। और ये देखिए साइड में सीनरी क्या मस्त है, पार्टी सीनरी है ये। 9th क्लैश एनिवर्सरी में बहुत सारे नए इवेंट्स आए हैं, सारे इवेंट्स हम कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ देख सकते हैं आप हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार यहाँ पर। चलिए चलते हैं वापस, और अब यहाँ पर मैसेज नहीं आया कि हम इवेंट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं मैसेज क्यों नहीं आया। ये देखें यहाँ पर दो हीरो पोशन है, और मेरे पास जो है वो हीरो पोशन फुल है, यानी कि 5-5 हीरो पोशन है मेरे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो हीरोज है वो मैक्स है, इसलिए हमें मैसेज नहीं आया। तो चलिए अब सेकंड आईडी में जाते हैं, और वहाँ पर आपको एक परफेक्ट अटैक करके दिखाता हूँ, 9th क्लैशिवरी इवेंट अटैक। ये अटैक एकदम ध्यान से देखेगा, एकदम परफेक्टली अटैक करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। यहाँ पर जो है वो डेली डील्स का जो बोनस है वो क्लेम कर लिया है मैंने। चलिए चलते हैं अटैक की तरफ गाइस। यहाँ पर भी सेम करना है, पहले ट्रैप्स क्लियर आउट करने, यहाँ पर एकदम परफेक्टली कम विजर्ड यूज करके काम को चलाऊंगा मैं, देखिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए टोर्नेटो ट्रैप्स की तरफ डाल दिया है, तो एक विजर्ड ने 2 टोर्नेटो ट्रैप क्लियर आउट कर लिए, एक थोड़ा मिसप्लेस हो गया है। तो चलिए सारे टोर्नेटो ट्रैप्स क्लियर आउट हो चुके हैं, और सीसी भी ऑलमोस्ट सारी की सारी निकल चुकी है। और अब यहाँ पर एक विजर्ड से 3 जायंट मॉब्स डिटेक्ट हो गए, अब यहाँ पर एक ही विजर्ड से सारे स्केलेटन ट्रैप डिटेक्ट हो जाते। और यहाँ पर फ्री स्पेल्स, चलिए एक बार सीसी चेक कर लेते हैं, और ये फुल सीसी लेयर आउट हो चुकी है, हेड हंटर्स आ चुके हैं बाहर। जब तक हेड हंटर्स नहीं आए आपको विजर्ड डालते रहना है, हेड हंटर्स जो है वो एकदम लास्ट सीसी में से बाहर निकलेंगे। और अब यहाँ पर हम पार्टी विजर्ड से सेम करने वाले आर्चर टावर डिस्ट्रॉय करेंगे 3 पार्टी विजर्ड से, और अब दूसरी तरफ डिप्लॉय करेंगे 3 पार्टी विजर्ड्स, फिर सीसी को इकट्ठा करना है एक ही जगह पे, और फिर ऊपर फ्रीज डाल देंगे। चलिए अब सीसी एक ही जगह पूरी इकट्ठी करेंगे, तो देखिए इकट्ठा हो चुकी है। अब हम यूज कर लेंगे फ्रीज, फिर बारबेरियन किंग, सुपर विजर्ड्स, क्वीन और ग्रैंड वार्डन। तो आप देख सकते हैं कि इतनी इजीली हमने सीसी को टैकल कर लिया यहाँ पर सुपर विजर्ड्स की मदद से। और अब स्टार्टिंग में एक हील यूज करना है, और इन्फर्नो टावर को करना है फ्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी अटैक जा रहा है, सुपर विजर्ड सारे के सारे सेफ है, मेन हमें सुपर विजर्ड को सेफ रखना है टाउन हॉल से, तो इसलिए वार्डन एबिलिटी जल्दी यूज करनी है। देखिए अब वार्डन एबिलिटी यूज कर लेंगे हम, और बैडमिन किंग की एबिलिटी भी यूज कर ली है। टाउन हॉल हो चुका है तो डाउन, और टाउन हॉल जैसे डाउन हो आपको हेस्ट डाल देना है, और फिर इनविजिबल स्पेल यूज करते रहना है। एक हील बचा है तो वो भी यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास विजर्ड बहुत सारे बचे हुए, 6 पार्टी विजर्ड और एक नॉर्मल विजर्ड है, रॉयल चैंपियन और इनविजिबल स्पेल भी है। तो अब ये अटैक थोड़ा इजी हो गया पहले अटैक से, तो अब रॉयल चैंपियन डाल देंगे हम। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रैंड वार्डन फुल हेल्थ पर है, और आर्चर क्वीन भी थोड़ी हेल्थ पर है, और अब रॉयल चैंपियन आगे बढ़ चुका है। अभी इनविजिबल स्पेल यूज नहीं किया है मैंने, अब यूज कर लेंगे इनविजिबल स्पेल रॉयल चैंपियन के ऊपर, और जो 3 पार्टी विजर्ड्स है वो उधर डालूंगा मैं। देखिए अब स्कैटर शॉट का फोकस जब इधर था तो मैंने डाल दिया पार्टी विजर्ड्स,
तो कितना इजीली उन्होंने स्कैटर शॉट को टैकल कर लिया, और अब बचे हुए पार्टी विजार्ड्स और विजार्ड डाल देंगे हम, तो इजीली अटैक अब होने वाला एक परफेक्ट 3-स्टार अटैक, वो भी इजीली ग्रैंड वार्डन फुल हेल्थ पर, रॉयल चैंपियन फुल हेल्थ पर, 6 विजार्ड्स है हमारे पास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। चलिए एक और एक अटैक हमारा हो चुका है परफेक्टली 3-स्टार अटैक। चलिए अब चलते हैं वापिस, और अब हमें मिल चुके जो इवेंट की लूट है वो देखिए। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, सी यू सून।